महाकाल का दरबार क्यों वीआईपी कल्चर? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री पर बैन है। ऐसे में वीआईपी एंट्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे जो सांसद भी हैं श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और दो अन्य लोग गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता और वीआईपी के लिए अलग अलग नियम है। उधर बीजेपी का कहना है कि सबके लिए नियम समान है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। सहज और साधारण रूप से ही लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह का जो ये वीडियो सामने आया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। जनता के लिए नियम, रसूख वालों को छूट, सबको एक समान मानना चाहिए। लोग क्या अंदर दर्शन कर रहे हैं, हम क्या बाहर से, क्या हम अलग से हैं, क्या सभी को एक जैसी सुविधा मिलना चाहिए। ये सिर्फ सरासर गलत है। वीआईपी कल्चर को ज्यादा अंदर जाके ऐसे नहीं, सबको समानता मिलनी चाहिए। महाकाल का दरबार गर्भगृह में वीआईपी एंट्री, सांसद इनके, विधायक इनके, इनके मंत्री दादागिरी से अंदर चले जाते हैं और एक ही रटा रटाया जवाब शासन प्रशासन और महाकाल के जो व्यवस्थापक लोग हैं उनका कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कब करेंगे? मंदिर में वीआईपी आएंगे, कब तक नियम बदलेंगे? महाकाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा जांच करवाई जा रही है, किस स्थिति में इस तरह की स्थिति बनी है उसके संदर्भ में अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रदेश जहां पर नियम कायदे कानून के चलते ही नहीं है तो महाकाल में कहां से चल जाएंगे? ये तो नियम कायदे कानून दूसरों के लिए, जब अपनी बारी आए अपने हिसाब से। एक बार फिर महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर पर सवाल उठे हैं। रसूख वालों के लिए अलग नियम क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे समेत पूरे परिवार को गर्भगृह में वीआईपी एंट्री मिली, जबकि गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में नियम नहीं चलते हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि नियम सबके लिए समान है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर क्यों? जब बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हर तरह की एंट्री बैन है तो क्यों फिर गर्भगृह में वीआईपी एंट्री दी गई? और दी तो दी गई, लेकिन किसने दी? महा डिबेट आज के इन सवालों पर फोकस करेगी। वो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, बैन लगा हुआ है तो उसके बावजूद एंट्री कैसे हो गई? क्यों हुई वीआईपी एंट्री? आम लोग नहीं देख पा रहे हैं, आम लोग नहीं जा पा रहे गर्भगृह में क्योंकि एंट्री बैन है, लेकिन वीआईपी पहुंच जा रहे हैं। जनता और वीआईपी नियम अलग अलग हैं क्या? जांच वाला बहाना कब तक चलेगा? यह भी बड़ा सवाल है। हर बार जांच होगी ये बात कह दी जाती है, लेकिन कब तक? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, और साथ ही महामंडलेश्वर हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे ही ले रही हूं। आपने भी देखा होगा वीडियो, गर्भगृह में प्रवेश बैन है, सिर्फ पंडे पुजारी ही जा सकते हैं, लेकिन वीआईपी चले गए, क्या कहेंगे आप? जी देखिएगा, नियम तो सबके लिए समान होने चाहिए, किंतु मैं गर्भगृह के अंदर प्रवेश के ऊपर जो बैन है उसके अंदर भी कुछ गुंजाइशों की बातें करता रहा हूं। मेरा मंतव्य यह है कि गर्भगृह के अंदर हमारे महादेव, हमारे श्रद्धालुओं के बीच में दूरी न बनाई जाए, एक निश्चित समय पूर्व के हिसाब से ही रखा जाए कि 4 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, तेजी के साथ में दर्शन संभव है, गर्भगृह में भी दर्शन संभव है। और यदि प्रतिबंधी लगाना है तो भी सबके साथ लगाना चाहिए। रही बात नैतिकता की, शासन जो निर्णय लेता है उस निर्णय को सबको बराबरी से पालन करवाने की नैतिकता हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को भी निभानी होगी, हमारे यहाँ के नेताओं को भी निभानी होगी, और दोनों ही स्थिति में हम कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आते हैं और एक गलत उदाहरण पूरे भारत के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पर भेदभाव करते हैं, यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, महादेव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन महादेव के दर्शन के लिए जो भेदभाव हो रहा है उससे तो आम भक्त आहत होगा ना, कि वीआईपी है तो कहीं भी एंट्री मिल जाएगी और बाकियों को बोला जाएगा कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए।
देखिए अपर्णा जी, महाकाल महादेव जो हैं वो राजाओं के राजा हैं, राजाधिराज हैं, और निश्चित रूप से अपने भक्तों के लिए उन्होंने जो वहाँ के जो समिति है उसने अपने नियम बनाए हुए हैं। इन नियमों का पालन सबको करना है। अब सांसद जी किस उसमें गए और उसने किसने क्या किया, पर मेरी अभी कलेक्टर जिससे बात हुई वहाँ पे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो निरीक्षक उनके प्रोटोकॉल में था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बिठाई गई है कि अंदर कैसे गए हैं। निश्चित कानून सबके लिए बराबर है, और अभी जैसा महामंडलेश्वर जी भी जी जी माँ जी माँ महामंडलेश्वर जी बोलिए आप। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ केशवानी जी, हम आप सभी सारे राजनीतिक मतभेदों को भूल करके हम एक बात करें कि अक्सर देखा गया है जितने भी कांड होते हैं इस हड़बड़ी के अंदर, वीआईपी मूवमेंट के अंदर, या किसी भी प्रकार का अग्निकांड होता हो, चाहे बिजली का करंट फैला था वो कांड हुआ हो, क्या उनकी कोई जांच की रिपोर्टें आ पाती हैं? हम आप सब समझते हैं कि जब हम सुशासन की बातें करते हैं तो हमें चाहिए कि हम सख्ती के साथ उसको लागू करवाएं, अन्यथा क्या होगा कि एक को हम वीआईपी मान करके एंट्री देंगे, बाकी सब जो है उस हड़बड़ी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो हमारे सबकी छवि के लिए उचित नहीं है, सनातन की छवि के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैंने आपके बात को टोका केशवानी जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, आप अपने जो राजनीतिक दल हैं उसको भी ये समझाएं कि देखिएगा हम यदि कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी जांच रिपोर्टों को सामने करें, कोई घटनाक्रम। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, और वो बार बार अपने आचरण से इस बात का एग्जाम्पल देते हैं। केशवानी जी, अपर्णा जी, निश्चित रूप से हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अब सांसद जी को जो वहां पे आदमी अंदर लेके गया था उसको सस्पेंड करने का काम किया है, और निश्चित रूप से महामंडलेश्वर जी इस बात की बात कर रहे हैं कि जांच का रिजल्ट, प्रत्येक जांच का रिजल्ट आता है, ये अलग बात है कि हम उस पर चर्चा नहीं करते, हम उसके ऊपर बैठकर बात नहीं करते, हम उसको उस चीज को नहीं। बाकी ये तो त्वरित कार्रवाई करने का काम किया है, क्योंकि जो जो श्रद्धालु जो जो सांसद जी आए वो बाहर दूसरे प्रदेश के हैं, उनको वहां के न तो नियम मालूम होंगे न अंदर जाने की कुछ व्यवस्था मालूम होगी, पर जिस भी शख्स ने उनको अंदर ले जाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और व्यवस्था बनाई किसने? सांसद को देखकर कि मुख्यमंत्री का बेटा है, व्यवस्था किसने बनाई उसका नाम सामने आना चाहिए, है ना, ये बड़ी बात है। अजीत भदौरिया जी, निश्चित रूप से ये एक समिति का, देखिए अपर्णा जी लौटूंगे सर आपके पास, एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं पहले जी। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमूर्छिमामृता। ओ ये महामृत्युंजय जाप है आदरणीय अपर्णा जी, जो प्रभु श्री महाकाल जो महाराज राजा धीराज हैं, जिनकी पूरे विश्व में ख्याति है, किसी भी धर्म व्यक्ति का आदमी हो वो उनके आगे सार्वजनिक रूप से और अंतरात्मा से नतमस्तक है, परंतु बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी वालों के लिए कोई भी श्रद्धा आस्था का केंद्र नहीं है, धर्म उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति का केंद्र है, और ये सब हो कहां रहा है? महाकाल महाराजा अधिराज कहां विराजे हुए? अपर्णा जी, जहां के स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आज उज्जैन के ही हैं, और वो अपने गृह जिले में, अपने गृह क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पा रहे आदरणीय अपर्णा जी, कोई पहली बार ये नहीं हुआ। मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं, 12 मार्च 2023 को रंग पंचमी का दिन था, इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला अपने परिवार के साथ गर्भगृह के अंदर गए, 5 अप्रैल 2023 को कैलाश विजयवर्गीय जी रमेश मेंदोला के साथ गए, 1 दिसंबर 2023 को एडिशनल एसपी जयंत राठौर और गुरु प्रसाद पारासर गर्भगृह के अंदर गए, 8 जुलाई 2024 को भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह पत्नी सहित 1 घंटे तक रहे और पूरे के पूरे दर्शक परेशान होते रहे जो श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आए थे। 10 अगस्त 2024 को विधायक अनिल जैन, अपर्णा जी, अपर्णा जी आ रही हूं, आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा क्या कमलनाथ नहीं गए, क्या राहुल गांधी जी नहीं गए क्या अंदर, क्या प्रियंका गांधी जी अंदर नहीं गई क्या? वो गए हैं, सब लोग गए, पर इस तरह के आप बैठकर आज मेरे को तो बड़ा आश्चर्यपद लग रहा है, आज हम पर आरोप कौन लगाने का काम कर रहा है?
जो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं वो हम पर राजनीति हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे आपने तो भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, आपने तो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, आपने राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह। ठीक है केसानी जी, भदौरिया जी को बात करने देते हैं पहले उनकी, उसके बाद में काउंटर के लिए आपके पास आऊंगे क्योंकि आप लोग ना ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो एक मिनट पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने देते हैं। भदौरिया जी संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जा रही हूँ सरमन सर के पास। अगर इन छह घटनाक्रमों के संदर्भ में किसी अधिकारियों की पुरानी बाइट सुनेंगे, फोटोग्राफ्स आए, वीडियो आए, कई जांच हो गई, कार्रवाई करेंगे आए, वो जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, किस पे कार्रवाई? ये अब हम और आप कल फिर देख लेंगे कौन सा इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ, क्या प्रशासक पे कार्रवाई हुई, क्या कलेक्टर हटा दिया गया, क्या कलेक्टर महाकाल से बड़ा है क्या, वो कलेक्टर महाकाल से बड़ा है क्या? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दुर्गेश केसवानी जी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को हटाया, क्यों नहीं प्रशासक? आप एक किसी पत्र समूह की खबर पढ़ने लग गए जिसमें आप तो ये बताइए ना, आप अपमान करते रहे आदरणीय, आप सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हो और आप उन लोगों के साथ मिले हुए हो जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप तो उन लोगों की पैरवी करने वाले लोग हो, आप राम मंदिर पर प्रश्न लगाने वाले आप, ये विषय नहीं है, भगवान श्री राम को नकारने वाले आप लोग हो। देखिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, महामंडलेश्वर जी भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि ये विषय नहीं है, ठीक है वीआईपी कल्चर विषय है, लेकिन ठीक है अभी सरमन सर के पास मैं जा रही हूँ क्योंकि उनका अभी पहला रिएक्शन का भी हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं जा पाए उनके पास। सरमन सर आपका रिएक्शन जो ओवरऑल ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, किसकी गलती देख रहे हैं आप? देखिए अपर्णा जी, जो वहां पर पुरोहित रहते, पुजारी रहते, पंडे रहते, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग रहते हैं, अंदर तक ले जाने का उन्हीं के पास अधिकार रहता है, जो निरीक्षक हो, पुलिस के लोग हो, वो अचानक से या अपने आप से या जबरदस्ती नहीं ले जा सकते अंदर जब तक वो इशारा ना करें। जब पुजारी, पंडे, पुरोहित जो उस व्यवस्था में लगे रहते, जो पूजन पाठ पाठ कराते, जो पूजन पद्धति को संपन्न कराते, वो जब तक इशारा नहीं करते तब तक नहीं जा पाते। अब वो उनके और पुलिस वालों के बीच में वो किनकी बात को तवज्जो देते हैं, किनकी बात को नहीं देते हैं, उनसे उनकी क्या ट्यूनिंग है कि नहीं है, जो निरीक्षक था वो पुराना है कि अभी का निरीक्षक है, और जो शिंदे जी के जो परिवार से जो उनके साथ में भी पीएसओ आया होगा और उनको भी प्रोटोकॉल मिला होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जो लोकल जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कराया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें जांच जब तक सारे लोगों की नहीं होगी तब तक उसमें जो जिन्होंने एंट्री कराई है वो सामने नहीं आ पाएगा। और देखिए मेरा यहाँ दूसरा कहना है कि देखिए ये जो निजी आस्था का विषय है ये इसका प्रदर्शन करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, संविधान भी इसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन ठीक है आप कर रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज और है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महाकाल को लेकर एक नई उन्होंने एक परंपरा चालू की है, मैं आपकी जानकारी के माध्यम से बता रहा हूं अपर्णा जी, कि जब मध्य प्रदेश में या देश में किसी भी जनमानस का निधन होता है तो ईश्वर को कंडोलेंस के लिए उनसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी के जितने भी आप देखेंगे ट्वीट या उनकी प्रेस विज्ञप्ति या उनकी कंडोलेंस, वो महाकाल की उसमें आस्था का बात ले आते हैं कि महाकाल उनको शांति दे, महाकाल के चरणों पर उनको शीर्ष स्थान दे, तो वो इतना ज्यादा महत्व देते हैं। और एक और है कि देखिए जो एक मिथक था कि उज्जैन में महाकाल की नगरी में एक साथ दो लोग विश्राम नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव भी वहां रह रहे हैं, महाकाल भी, वो महाकाल को इतना ज्यादा चाहते हैं कि वो बिल्कुल यही बात है। लेकिन बाकी बड़े बड़ा सवाल आपने यहाँ पर सही उठाया कि एक सिपाही को हटाकर किसने ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, किसने अंदर तक ये पहुंच बनाई है, वो उसका हल नहीं मिल सकता है। सिपाही को तो बड़े अधिकारी की ओर से इशारा मिला होगा तभी उसने ये किया कर पाया होगा ना, सिपाही अपने सर पर तो तमड़ा फैसला नहीं ले सकता है। मैंने भी महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है और मुझे पता है कि कितना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, कितना इंतजार करना पड़ता है, किस तरह से लाइन में लगना पड़ता है। महामंडलेश्वर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में आऊंगे सर केसानी जी आपके पास आऊंगी मैं। नहीं मैं ये कहना जी मैं कहना चाह रहा था कि देखिए ये विषय हम बहुत उच्च स्तर पर सोचें, इसको हम मानवीय गुणों के आधार पर सोचें कि भाई नैतिकता किसकी,
हमने वो युग भी देखा है कि जब छोटी सी घटना घट जाती तो मंत्री संतरी कोई भी हो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, किंतु आज के इस स्थिति के अंदर हमें देखने में आता है कि जहां नगेले जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए मोहन जी जो निरंतर रूप से महाकाल का प्रत्येक स्तर के ऊपर सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और साथ में उनकी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए वैश्विक प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि छोटी सी भी त्रुटि होती है तो हम जैसे लोग अपेक्षा ये करते हैं कि उच्च पदस्थ जितने भी अधिकारी हैं वो नैतिकता की जवाबदारी लें। नैतिकता की जवाबदारी नहीं लेते, एक दीवार गिर जाती है तो आप किसी भी पुलिस वाले को निलंबित करते, मजाक है? एक दीवार गिरने का बनाने का उस क्षेत्र का जो मेंटेनेंस है वो पुलिस के अधीन नहीं है, उसके पीछे की पूर्ण जांच सामने क्यों नहीं आती है कि किस कारण से दीवार गिरती है, किस कारण से कर्ण फैलता है, किस कारण से अग्नि लगती है? यदि हम इन विषयों के ऊपर बात करें तो नैतिकता के मापदंड स्थापित होंगे जो पूरे भारत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम्पल सेट करना होगा, सिर्फ हवा हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं मां मंडलेश्वर जी। देखिए अपर्णा जी, मैं मां मंडलेश्वर जी का सम्मान करता हूं और पूरे पैनल का सम्मान करता हूं जो बैठे हैं यहाँ पे। मां मंडलेश्वर जी ने जो बातें की हैं निश्चित रूप से उनकी ओर भी जो हमारे वरिष्ठों के साथ जब हमारी बैठक होती है वो इंगित करने का काम करेंगे। और सरमन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वहां पे जो PSO था उसने किसके इशारा किया, किसके इशारे से उनको अंदर जाने का काम हुआ। ये इसीलिए आपने जो जांच बिठाई जाती है ना वो इसी वजह से ही बिठाई जाती है कि आज की जो बिंदु निकल के आए। अब सरमन जी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक मिनट में उस चीज को जांच लिया कि किस इशारे से क्या हुआ होगा, तो उस इशारे को निश्चित रूप से वह भी जांच के वह भी। अरे आप चुप रहो, मेरी बात हो जान दो भैया। अरे यार नहीं नहीं, अरे भदौरिया जी बात हो जान दो पूरी, ये भी बताइए ना आप ये भी तैयारी रखिए। आप कलेक्टर से बात कर सकते थे, ये पूछिए कि पहले 6 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोटोकॉल तोड़ा, आपके ट्रस्ट ने, आपके प्रशासन ने किन किन पे कार्रवाई की, कलेक्टर से यही पूछ लेते मेरे श्रीमान। सब पे ही कार्रवाई 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 सब पर की जाती है, पर आप जो झूठ फैलाने का काम करते हो ना, आप भ्रम फैलाने का काम करते हो, आप जोर जोर से चिल्लाकर बात करने का काम करते हो। हमने तो निश्चित रूप से उसी 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 महाकाल समिति ने आपके नेता को भी वहां पे दर्शन कराने का काम किया। कमलनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री के रहते हुए कितने समय से दर्शन करते आ रहे हैं, वो जाते हैं। प्रियंका गांधी जी जो भी आते हैं उनको दर्शन कराने का काम वहां का प्रोटोकॉल करता है। पर अगर कहीं किसी चीज में चूक हुई तो उसको सस्पेंड करने का काम किया गया और जांच बैठी है, जांच निश्चित रूप से निकल कर आएगी। आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी चिंता आपके सर्टिफिकेट उससे कुछ नहीं होने वाला है मेरे भैया। ठीक है, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हो, आप आरोप लगा सकते हो किसी चीज पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो आप मेरे भैया जी निश्चित रूप से। पर मैं आज की इस सारगर्भित डिबेट में जैसा सरमन नगेले जी ने कहा, महामंडलेश्वर जी ने कहा, अपर्णा जी आपने जिन बातों की तरफ इंगित किए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से उससे हम माननीय कलेक्टर से भी बात करेंगे, प्रशासक से भी बात करेंगे, कहीं कोई चीक चूक नहीं हो, क्योंकि महाकाल के दरबार में महाकाल राजाओं के राजा हैं, राजा दी राज हैं, उनके आगे कोई भी कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता, कोई वो नहीं करता। हर हर भक्त जो आता है उसी नियम से आएगा, उसी नियम से जाएगा। 700 रुपए का खरीदा, इतना बड़ा घोटाला किया, कौन था प्रशासक? एक तत्कालीन मंत्री का दामाद, उसको क्या किया? दे दिया राहुल गांधी जी की तरह बात मत करो। अगर आपने देखा सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूट गई आदरणीय अपर्णा जी, ये हम जैसे सनातनियों, हम जैसे हिंदू धर्म को ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल है, जहां हम बचपन में खेले हैं, जहां मैंने तो उस बचपन में उस गर्भगृह में उस बचपन उस पर आप तो उनके साथ होते हो जो बोलता है भारत ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पैसे खाए जा रहे हैं महाकाल के नाम पर, तो कितना आत्मा दुखी होती है। आप देखिए भगवान को छोड़ दो, आपने युवाओं को ठगा, आपने किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, हे महाप्रभु भगवान को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आने वाले सिंहस्थ में कम से कम ये सलाह दे रहा हूँ आदरणीय अपर्णा जी, आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भाजपा की सरकार से कि 700 का मटका आप मत खरीदना। हे मोदी, कांग्रेस को शोभा नहीं देती है,
आने वाले सिंह अस्त में ये मत करो आप मेरे भैया, जनता समझती है। पैसा मत बनाना प्रभु, इसके माध्यम से पैसा मत बनाना हे मोहन यादव जी और उनकी सरकार। इस सिंहस्थ आने वाले सिंहस्थ के नाम पर घोटाले मत करना, जैसे काम बंद कर दो मेरे भैया। आप तो उस दल के साथ खड़े होते हो, उन लोगों के साथ खड़े होते हो जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका दल तो वो है, आप उन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हो, आप ऐसी बातें मत करो। अजय सिंह भदौरिया जी तो आज महामृत्युंजय मंत्र भी उन्होंने सुनाया है चर्चा की शुरुआत में, और वो कुर्ता भी पहनकर आए हैं आज। दुर्गेश केसारी जी अब क्या कर रहे हैं आप, नाइंसाफी कर रहे हैं ऐसा बोलकर उनके साथ? नहीं, वो दल नहीं है ये दल कभी भी न तो राम जी के साथ खड़ा हुआ, न भगवान के किसी के साथ खड़ा होने का काम किया, न राम मंदिर के साथ खड़े हुए ये लोग। ये सिर्फ ढोंग करने वाले लोग हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग हैं। इनका इनको जनता 10 सेकंड देखिए आदरणीय अपर्णा जी, मैं तो अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार से, अब कम से कम महाकाल के साथ छलावा ना करें, प्रोटोकॉल का पालन कराएं और आने वाले सिंहस्थ में 700 रुपए का मिट्टी का मटका ना खरीदें। बहुत धन्यवाद एमपी की महा डिबेट में आप सभी का शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि वीआईपी कल्चर के चलते जो आम भक्त है उनकी भावनाएं ना आहत हो, क्योंकि महाकाल तो सभी के हैं, ऐसे में तमाम भक्तों की जो भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए था। एमपी की महा डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।